हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं क्लास 10th के स्ट्रेट लाइन चैप्टर के बेसिक के बारे में, जो हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। हमारे 10th में ही हमें पढ़ाया गया है, जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए गए थे स्ट्रेट लाइन के, जिनको हमें रिकॉल करना ज़रूरी है। तो पहला हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर कोई लाइन सेगमेंट है और उसकी हमें वर्टिसेस पता है, ठीक है, उनके वर्टिसेस पता है, तो उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उनके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था, रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा था डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड आता है हमारा, एक हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, जिसको कोई पॉइंट सी है, वो एम रेशियो एन में क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है, उसको पॉइंट सी क्या कर रहा है, एम रेशियो एन में ब्रेक कर रहा है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको निकालने के लिए हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ा था, एक्स वन वाई इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और क्या पढ़ा था, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है, एम और एन के आपके इंटरसेप्ट हो जाएंगे। थर्ड आते हैं, आपने ट्रायंगल फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्मूला में क्या पढ़ा था आपने, कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल दे रखा है जिसकी आपको तीनों वर्टिसेस पता है, तीनों वर्सेस के कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आप एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है। और यहीं पे आपने कोलिनियर की कंडीशन भी पढ़ी थी, कि कब हमारे पॉइंट जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये पॉइंट्स हमारे क्या कोलिनियर हैं, कब ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे, तो पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए कंडीशन पड़ी थी आपने, अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो आ जाता है तो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिनको हम याद रखेंगे चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। तो बच्चों अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बच्चों अब अपना टॉपिक पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, कोई लाइन है उसका आप स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है, स्लोप होता क्या है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप हम ग्रेडियंट बोलते हैं, द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, वो क्या होगा, एंगल का टेंजेंट, मतलब एंगल की टेन वैल्यू, टेन थीटा, ठीक है, विच द पार्ट ऑफ द लाइन अबव द एक्स एक्सिस मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि किस कैसे बनाया गया है, आपका एक एंगल, जैसे ये एंगल आपको थीटा है, आपका एंगल जो कैसे बनाया गया है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन बनाया गया है, यह कह सकते हैं क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो हमारी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके क्या रिगार्डिंग बनाया गया है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, मीनिंग कि आप थीटा जो लोगे उसको क्या लोगे, एंटी क्लॉकवाइज लोगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो थीटा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, ठीक है, और इस थीटा की जो टेन वैल्यू होगी, इस थीटा की जो टेन वैल्यू होगी, टेन थीटा होगा, वो आपका क्या होगा, स्लोप होगा, और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अगर कोई लाइन है, लाइन का हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने क्या करेंगे, जो एंगल वैल्यू है, जो एंगल है, हम क्या करेंगे, उसकी 10 वैल्यू कंसीडर करेंगे। अगर ये थीटा हमारा 45 है तो यहाँ पे 10 45 हो जाएगा, हमारी स्लोप क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये थीटा हमारा 0 हो जाएगा तो 10 0 हो जाएगा, स्लोप भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर थीटा हमारा 90 होता है तो 10 90 10 90 इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो 10 90 जब हमारा 10 90 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड पे क्या होगा, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, मतलब आप एम को फाइंड ही नहीं करा सकते, वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन, जब आपके पास क्या है, कोई एक एंगल दे रखा हो, ठीक है। आप स्लोप तब कैसे निकालेंगे, जब आपको क्या है, उसकी वर्सेस दे रखी हो, ठीक है, कोई दो पॉइंट्स हैं उनकी वर्सेस दे रखी हो, तो आप स्लोप कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखते हैं बच्चों, देखते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर हमें स्लोप जब क्या हो, कोई दो पॉइंट्स दे रखे हों, ठीक है, तो आप स्लोप कैसे फाइंड कराएंगे, जैसे सपोज करो, जैसे आपका ये फिगर है, ठीक है, ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है, इसका क्या निकालना, स्लोप निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, कोई पॉइंट ए ले लिए और बी ले लिए, ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर ये दो पॉइंट्स को क्या ज्वाइन करा रही है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है एंगल निकालेंगे थीटा, ठीक है, और इस थीटा को निकालने सपोज करते हैं, ए कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन वाई वन है, बी कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, एक्स टू वाई टू है, ठीक है, और क्या है, पॉइंट सी क्या है, ए सी पे आपका बी क्यू पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेन थीटा क्या होगा,
तो यहाँ पर अगर टेन थीटा आप निकालेंगे तो आपका क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा क्या आएगा आपका, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। और बी सी क्या है, और बी सी ए सी की वैल्यू क्या है, तो देखना जरा, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन कोमा वाई वन, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स टू कोमा वाई वन, बताएं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन कोमा वाई वन। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होंगे, एक्स टू कोमा वाई वन, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और वाई वन कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। और बी सी की बात करते हैं, बी सी क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे तो बी सी आपका क्या निकल आएगा, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। और हमें पता है टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन ए सी। और बी सी हमने क्या फाइंड किया है, बी सी हमारा है वाई टू माइनस वाई वन, और ए सी हमारा क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो अगर हमें क्या है, हमें वर्सेस दे रखे हैं कि नहीं दो पॉइंट्स के, तो हम उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, स्लोप को ड्राइव कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों आता है कि कंडीशंस ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, ठीक है, कब आपकी स्लोप्स एक दूसरे पे स्किप जो क्या है सॉरी कब आपकी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, और कब आपकी लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपने स्लोप के थ्रू फाइंड करा सकते हैं। कैसे, पहली कंडीशन देखिए जरा, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, अगर आपके पास कोई दो लाइन दे रखी है वो क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल तभी होंगी इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, दैट इज एम वन इक्वल टू एम टू, ठीक है। कोई दो लाइन पैरेलल तभी होंगी, जैसे आप कोई, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, अगर आपको कोई दो लाइन बनानी है तो दो लाइन पैरेलल कब होंगी, जब आपके एंगल इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। एंगल इक्वल आ जाने का मतलब क्या है, उनकी स्लोप इक्वल है, ठीक है। तो अगर उनकी स्लोप इक्वल है तभी हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। बात करते हैं परपेंडिकुलर की, तो जब आपकी दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, अगर लाइन आपके एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी तो जो उनका जब आपकी लाइन दोनों क्या होंगी, एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगी, तो कब होंगी, जब उनका स्लोप क्या फॉर्म कर रहा हो, स्लोप का प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या आ जाए, माइनस का वन आ जाए, ठीक है। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, अगर कोई एक दो लाइन लेते हैं वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अगर तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली लाइन का स्लोप निकालेंगे और दूसरी लाइन का स्लोप निकालेंगे और उनका प्रोडक्ट देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थे आपके चैप्टर 10 के बारे में, ठीक है। अब पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।